Hello students, in this lecture we will study about two famous graphs called Kratowski's first and second graph. Kratowski's first and second graph. Kratowski's first graph जो होता है वो एक complete graph होता है with five vertices. A complete graph with five vertices known as Kratowski's first graph. कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टिसेस अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टिसेस हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं. हम ये ऑब्जर्व करेंगे, ये है के फाइव कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टिसेस. अगर हम इस ग्राफ की एम्बेडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, एम्बेडिंग ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ की, मतलब एक ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ की, इसकी ऐसी ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें एजेस जो है वो एक दूसरे क्रॉस ना करें, तो फाइव वर्टिसेस हमारे पास. अभी तक जितनी एजेस हमने बनाई हैं वो उनमें कोई भी एज जो है वो क्रॉस नहीं की है. सारी एजेस जो है वो एक दूसरे, सारे वर्टिसेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे एक एज के थ्रू. तो इस वर्टेक्स को इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, इस वर्टेक्स को कनेक्ट कर सकते हैं इससे इस एज के थ्रू, इस वर्टेक्स को इस एज से कनेक्ट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं एज, और इस वर्टेक्स को इस एज से कनेक्ट करने के लिए हम ये वर्टेक्स यूज कर सकते हैं. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस ग्राफ की एम्बेडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ऐसा ग्राफ बनाने, एक ऐसी ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें एजेस जो है वो क्रॉस ना करें, तो हमारे पास एक दो एजेस जो है वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर ही रही है, मतलब एक क्रॉसिंग हमें मिल रही है. अगर हम कोई दूसरे रिप्रेजेंटेशन में हम सोचें, कोई दूसरा और रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो जिसमें इसकी एम्बेडिंग पॉसिबल हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कोई भी रिप्रेजेंटेशन. अगर हम इसे ऐसे बनाएं, कुछ रिप्रेजेंटेशन इसके ऐसे होंगे जिसमें जो एजेस जो हैं वो एक से ज्यादा जगह क्रॉस करेंगी, लेकिन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें एजेस जो है केवल एक जगह क्रॉस कर रही है, तो मिनिमम एक क्रॉसिंग तो हमें मिल ही पाएगी. अगर हम कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करें, कोई दूसरी एम्बेडिंग बनाने की कोशिश करें, तो एम्बेडिंग इसकी पॉसिबल नहीं होगी. तो के फाइव जो होता है क्रॉटोस्किस फर्स्ट ग्राफ या फर्स्ट क्रॉटोस्किस ग्राफ जो होता है वो एक नॉन प्लेनर ग्राफ होता है. ये एक नॉन प्लेनर ग्राफ होता है विद मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, सबसे कम नंबर ऑफ वर्टिसेस का नॉन प्लेनर ग्राफ होता है. इससे पहले फोर वर्टिसेस का हमने ऑब्जर्व किया था कि कंप्लीट ग्राफ के फोर विद फोर वर्टिसेस इज अ प्लेनर ग्राफ, उसकी एक एम्बेडिंग पॉसिबल थी, तो वो एक प्लेनर ग्राफ है. के थ्री अगर होगा तो क्योंकि एजेस कम होती जाएंगी तो उसकी ड्रॉइंग जो है वो पॉसिबल होती है एम्बेडिंग. इस ग्राफ की एम्बेडिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए ये नॉन प्लेनर ग्राफ है. तो क्रोटोस्किस फर्स्ट ग्राफ जो होता है वो कंप्लीट ग्राफ विद फाइव वर्टिसेस होता है, जो एक नॉन प्लेनर ग्राफ होता है, और उसमें नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स होती हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ एजेस होता है. तो उसकी जो ड्राइंग्स हैं उनमें जो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस होगा, तो क्रॉसिंग जो होती है वो इसकी वन होती है क्रोटोस्किस फर्स्ट ग्राफ की. तो इसमें हम नोट कर सकते हैं के फाइव इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ
विथ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, कम से कम नंबर ऑफ वर्टिसेस का नॉन प्लेनर ग्राफ है के फाइव जो है प्रोटोस्की फर्स्ट ग्राफ। सेकंड हम ये कह सकते हैं एवरी ग्राफ विथ फोर और लेस वर्टिसेस, हर ग्राफ जिसमें चार या चार से कम वर्टिसेस होंगे वो एक प्लेनर ग्राफ होगा, इज अ प्लेनर ग्राफ। और क्रॉसिंग नंबर जो होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इन द ड्राइंग ऑफ अ नॉन प्लेनर ग्राफ। क्रॉसिंग नंबर ऑफ के फाइव क्रोटोस्की फर्स्ट ग्राफ इज वन, उसकी क्रॉसिंग नंबर वन होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है दो एजेस, तो इसका क्रॉसिंग नंबर वन होता है। ये तो क्रोटोस्की फर्स्ट ग्राफ है के फाइव, कंप्लीट ग्राफ विद फाइव वर्टिसेस। नेक्स्ट इज क्रोटोस्की सेकेंड ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के थ्री कॉमा थ्री इज कॉल्ड कुरोटोस्कीज सेकेंड ग्राफ, ये सेकेंड कुरोटोस्की ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ विथ थ्री एंड थ्री वर्टिसेस, K33 ग्राफ जो होता है वो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होता है जिसमें तीन वर्टिसेस एक साइड में होते हैं, तीन वर्टिसेस एक साइड में, और इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर ये तीन वर्टिसेस हम कंसीडर कर ले रहे हैं V1, V2, V3, और इधर तीन वर्टिसेस हमने कंसीडर कर लिए V4, V5 एंड V6, देन V1 जो है वो इधर के सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होगा, V2 जो है इधर के सारे वर्टिसेस कनेक्ट होगा, V3 इधर के सारे वर्टिसेस कनेक्ट होगा, ये इधर के सारे वर्टिसेस से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, ये K33 क्रोटोस्की सेकंड ग्राफ कहते हैं इसे। ये क्रोटोस्की सेकंड ग्राफ जो होता है, अगर हम इसकी एम्बेडिंग ड्रॉ करते हैं, एम्बेडिंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो एम्बेडिंग जो है वो इसकी ड्रॉ नहीं हो पाती है, मतलब एम्बेडिंग पॉसिबल नहीं होती है, मींस ये भी एक नॉन प्लेनर ग्राफ होता है। अगर हम एम्बेडिंग बनाने की कोशिश करेंगे इसकी, कंसीडर कर लीजिए V1 है, V1 जो है वो V4 से कनेक्ट होगा, V4 ले लिया, V1 जो है वो V5 से कनेक्ट होगा, V5 ले लिया, V4 जो है वो V1 से, V2 से या V3 से, V1 से तो कनेक्ट है, V2 ले लिया और V3, V4 जो है V2 से और V3 से, V4 जो है V2 और V3, V3 और V5 किससे कनेक्ट होगा, V5 जो है वो V2, V3, V1, V1 से कनेक्टेड है, V2 इधर ले चुके हैं, तो V3, तो V4 हम यहां कंसीडर कर लेंगे, इसकी एम्बेडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऑब्जर्व करेंगे V1 V4 से कनेक्ट हो गया, V1 V5 से कनेक्ट होना चाहिए, V1 V5 से कनेक्टेड है, V1 जो है वो V6 से भी कनेक्ट होना चाहिए, V4 हमने ज्यादा जगह ले लिया, V6 होगा यहाँ पे, V1 जो है वो V6 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, V1 को V6 से कनेक्ट अगर हम करेंगे तो कंसीडर कर लीजिए हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया V1 को V6 से। नेक्स्ट V2 V4 से कनेक्टेड है, V2 V5 से हमने यहां कनेक्ट कर दिया, V2 V6 से कनेक्टेड है, V3 V4 से इसे कनेक्ट करना है, अभी करेंगे,
V3 V5 से कनेक्टेड है, V3 V6 से कनेक्टेड है। अब बचा V3 V4 से कनेक्ट। तो यहाँ पे भी हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक हमारे पास एक ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक ऐसी क्रॉसिंग मिलेगी, इसकी एम्बेडिंग हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो एम्बेडिंग हम इसकी पॉसिबल नहीं है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक ऐसी क्रॉसिंग मिलेगी जहां पे दो एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इट मीन्स ये एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। तो हम लिख सकते हैं K33 इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ। ये एक नॉन प्लेनर ग्राफ होता है विथ, ये एक ऐसा नॉन प्लेनर ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो होती है कम से कम होती है, कम से कम नंबर ऑफ एजेस का, क्योंकि इसकी क्रॉसिंग जो होती है, क्रॉसिंग नंबर इसका कितना है 1। अगर एक एज कम हो जाए तब ये जो है वो, अगर मान लीजिए V2 से V5 पे कोई एज ना हो या V3 से V4 पे कोई एज ना हो, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो एजेस अगर 8 है तो प्लेनर हमारे पास पॉसिबल हो रहा है, लेकिन अगर एजेस जो है वो कितनी हो गई 9, अब 9 हो गए एजेस, तो ये प्लेनर पॉसिबल नहीं है। क्रॉसिंग नंबर कितना है इसका 1 है, इसलिए ये मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का एक नॉन प्लेनर ग्राफ है। नॉन प्लेनर ग्राफ विच मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, कम से कम नंबर ऑफ एजेस का एक नॉन प्लेनर ग्राफ है K33। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं K33 एवरी ग्राफ हैविंग एट और लेस एजेस इज अ प्लेनर ग्राफ। 8 या 8 से कम एजेस का जो ग्राफ होता है वो प्लेनर ग्राफ पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट बता सकते हैं क्रॉसिंग नंबर ऑफ K33 is 1, इसका क्रॉसिंग नंबर भी 1 होता है। तो हमने एक क्रोटोस की फर्स्ट ग्राफ पढ़ा, उस वो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस का एक नॉन प्लेनर ग्राफ होता है। क्रोटोस की सेकंड ग्राफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का नॉन प्लेनर ग्राफ होता है। तो सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ्स क्रोटोस के फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ्स होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं दीज आर सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ्स, सबसे कम एजेस और सबसे कम वर्टिसेस के नॉन प्लेनर ग्राफ होते हैं, इसलिए इन्हें सिंपलेस्ट नॉन प्लेनर ग्राफ कहते हैं। थैंक यू।